हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्मिंघम फीनिक्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन के बीच में होने वाला द 100 वुमेन मैच के बारे में। तो भाई, ये जो मैच है आपको भारत के टाइम के अनुसार 7 बजे रात को खेला जाएंगे। अभी भी ये मैच स्टार्ट होने में काफी टाइम बचे और ये मैच आपको कैप्टन बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम स्टेडियम में खेला जाएंगे। भाई ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी काफी टाइम बचे हैं। भाई यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या चीज हम कवर करने वाले आपको मैं बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर पिच रिपोर्ट, दोनों टीम की फॉर्म क्या है, पॉइंट टेबल पे दोनों टीम यहाँ पर कितने पोजीशन पे, हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच में कितने बार हुए और फेस बॉलर स्पिन बॉलर के ग्राउंड पे कितने विकेट मिले, एवरेज जो स्कोर है भाई इस ग्राउंड पे कितने विकेट कितने रन तक मिल सकते हैं और कितने रन बन सकते हैं, पहला बैटिंग करने वाली टीम और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम कितने बार जीते हैं, और यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा फेस बॉलर स्पिन बॉलर के ग्राउंड पे कितने विकेट मिले हैं और ये किस प्रकार पीछे कितने रन तक इस ग्राउंड पे बनेंगे, ये आपको ऑलरेडी बता चुका। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज बताऊंगा भाई, यहाँ पर आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊंगा कौन कौन सा प्लेयर को लेंगे तो हमारा टीम स्ट्रांग बनेगा भाई, और लास्ट मैच में कौन सा प्लेयर ज्यादा रन बनाया, कौन सा गेंदबाज यहाँ पर ज्यादा विकेट ले और यहाँ पर इनकी रिसेंट प्लेइंग स्टैट्स क्या रहने वाले, ये सारा जानकारी आपको इसी वीडियो पे देने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए आप लेट नहीं करते हैं भाई, यहाँ पर अब जल्दी से यहाँ पर हम टीम बना लेते हैं। तो पहले देख लीजिए एक जो पीछे भाई स्पिन बॉलर के लिए मदद मिलेगा, तो अभी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि ये जो पीछे स्पिन बॉलर को मदद मिल रहा है, यहाँ पर फेस बॉलर को मदद मिल रहा है। उसके बाद आपको वेन्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, बर्मिंघम में खेला जाएंगे यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर बर्मिंघम फीनिक्स वुमेन और ट्रेंट रॉकेट्स के वुमेन के बीच में मैच होगा बर्मिंघम वुमेन। उसके बाद भाई यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म क्या है ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बर्मिंघम वुमेन अगर देखा जाए भाई लास्ट 5 मैच में भाई यहाँ पर ये 4 मैच हारे और एक ही मैच जीते भाई यहाँ पर। आप सोच लीजिए लास्ट 5 मैच में भाई 4 मैच हारे एक मैच जीते और लास्ट मैच ये हार के आ रहे हैं भाई। और भाई ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन की भी बात किया जाए तो यहाँ पर लास्ट 5 मैच में 2 मैच जीते 3 मैच हारे और ये भी टीम लास्ट मैच हार के आ रहे हैं भाई। तो दोनों टीम लास्ट मैच के हार के आ रहे हैं, लेकिन दोनों टीम के बीच में अगर देखा जाए तो 3 बार हेड टू हेड हुआ भाई। 3 बार में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बर्मिंघम वुमेन जो टीम है भाई 2 बार जीते और यहाँ पर ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन जो है भाई 1 बार जीते। तो भाई एक नया सीजन है, यहाँ पर किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझ सकते, पहला मैच कोई भी टीम हार सकता है भाई। तो इस टीम में कौन सा प्लेयर को लेंगे तो यहाँ पर हमारी टीम स्ट्रांग बनेगा भाई, ये सारा जानकारी अब हम जानने वाले हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच की स्कोर कार्ड आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर बर्मिंघम जो लास्ट मैच खेले भाई NSW वुमेन के खिलाफ यहाँ पर 7 विकेट से हार गया था भाई यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो ये जो मैच है भाई यहाँ पर बर्मिंघम यहाँ पर 100 बॉल में 110 रन बनाए और यहाँ पर NSW जो टीम है भाई यहाँ पर 78 बॉल पे इस टारगेट को आसान से टारगेट चेंज कर दिया भाई। तो इस मैच में कौन सा प्लेयर अच्छे स्कोर बनाए भाई आपको मैं बता दूंगा, 4 बेस्ट प्लेयर। तो सोपी डिवाइन है भाई लास्ट मैच में 46 रन बनाए 36 गेंदों पे, जिनको मैंने कंफर्म कर ली। उसके बाद भाई विकेट कीपर अभी फ्रीडम है भाई, ज्यादा रन नहीं बनाए लेकिन इनको मैं टीम पे ले रहा हूँ, 14 रन बनाए 11 गेंदों पे। उसके बाद गेंदबाजी भाई इसबिल्ला वॉन्ग है भाई यहाँ पर, काफी अच्छी गेंदबाजी करती है, 1 विकेट ली 9 रन दी। उसके बाद यहाँ पर कैटी लैविक है भाई, इनको भी मैंने कंफर्म कर दिया। ये जो 4 प्लेयर है भाई काफी अच्छे खेले यहाँ पर, इनको भी 1 ही विकेट मिला। तब देख सकते हैं 4 प्लेयर यहाँ पर अभी फ्रीडम सुबी डिवाइन इसी वॉन्ग और यहाँ पर कैटी लैविक, ये 4 प्लेयर को मैंने यहाँ पर कंफर्म कर चुका। उसके बाद भाई यहाँ पर दूसरा टीम की भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा टीम ने अगर देखा जाए भाई यहाँ पर ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन जो मैच है भाई यहाँ पर SB वुमेन के खिलाफ यहाँ पर हार गए थे भाई यहाँ पर। तो ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन के लिए कौन सा प्लेयर अच्छा खेला आपको मैं बता दूंगा। तो पहला जो नाम है भाई नटालिया स्टीवर बर्ड है, ये 49 रन बनाए 31 गेंदों के, जिनको मैंने कंफर्म कर लिया। उसके बाद हरमन प्रीत कौर है भाई यहाँ पर, आप इनको टीम पे ले लीजिए, ज्यादा रन नहीं बनाए 22 रन बनाए 17 गेंदों पे, लेकिन ये मैच को कभी भी पलट सकती है, इनको मैंने कंफर्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में ब्रायन स्मिथ है भाई यहाँ पर, आप इनको टीम पे ले सकते हो, ब्रायन स्मिथ यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स में भी यहाँ पर गेंदबाजी में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर तो ब्रायन स्मिथ बल्लेबाजी सेक्शन में भाई बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर ब्रायन स्मिथ लास्ट मैच में 2 विकेट है लेकिन 24 रन दे दिए भाई। और यहाँ पर क्रिस्टी गॉर्डन है भाई यहाँ पर, इनको 1 विकेट मिला क्रिस्टी गॉर्डन को। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर हमने पूरे 8 प्लेयर यहाँ पर आसान से पिक कर लिया भाई। तो एक बात है, बाकी 3 प्लेयर को देखने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ। और कुछ वीडियो से भाई हमारे नाम पे फेक चैनल क्रिएट कर रहे, उससे आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। तो यहाँ पर हमने 8 प्लेयर ले लिया, तो ये 8 प्लेयर आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी भी 3 प्लेयर को पिक करना, लेकिन वो 3 प्लेयर कौन रहने वाले ये भी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर एक्टिवेट रिपोर्ट तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स टेबल पे कितने पोजीशन पे, तो भाई ये जो दोनों टीम है भाई दोनों टीम यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पे बॉटम ऑफ द टेबल है भाई यहाँ पर।
दोनों टीम एक एक मैच खेले भाई लास्ट, और यहाँ पर ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन भी लास्ट मैच हार गए, और यहाँ पर बेबी वुमेन भी यहाँ पर लास्ट मैच हार गए। तो दोनों टीम जो है भाई यहाँ पर बॉटम ऑफ द टेबल है भाई, आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पर इनको मैंने पॉइंट टेबल आपको बताने के बाद भाई अभी कुछ प्लेयर्स का नाम लूंगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन है इन दोनों टीम से, और यहाँ पर ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर कौन है। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ और प्लेयर्स है, यहाँ पर हम लोग 8 प्लेयर पिक करने के बाद अभी भी यहाँ पर एक दो प्लेयर आपको मिलेगा भाई। तो नटराजा फीवर पॉइंट आपको ऑलरेडी बता चुका भाई, जो लास्ट मैच के लिए 49 रन बनाए भाई यहाँ पर, तो इनको मैंने टीम पे ले लिया भाई नटराजा फीवर पॉइंट को। उसके बाद कोबी डिवाइन 46 रन बनाए, इनको भी हमने टीम में ले लिया। हरमनप्रीत कौर को भी हमने यहाँ पर कंफर्म कर चुके हैं भाई, अभी फ्रीडम को भी यहाँ पर हमने ले ली। उसके बाद एक और प्लेयर है अमित जोन्स, आप इनको टीम पे ले लीजिएगा, और ये 13 रन बनाए भाई लास्ट मैच में। तो लेके ले एक अच्छा पिक है भाई, फिलहाल फिर इनको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। उसके बाद गेंदबाजी में भाई यहाँ पर आपको किसको लेना चाहिए, तो यहाँ पर हमने स्मिथ को कंफर्म कर चुके हैं भाई यहाँ पर। तो ये जो प्लेयर है भाई ये गेंदबाज नहीं है भाई, बल्लेबाज है। तो यहाँ पर आप इनको देने से पहले भाई यहाँ पर ये जो प्लेयर आपको बल्लेबाजी पे सही रहने वाली है, तो यहाँ पर इनको भी हमने फिलहाल के ले लिया। उसके बाद इसबेल वॉन्ग को भी यहाँ पर हमने टीम पे ले लिया भाई, कैटी लैविक को भी यहाँ पर हमने कंफर्म कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको गॉर्डन भी यहाँ पर कवर हो गया भाई। लेकिन एक और प्लेयर है यहाँ पर हन्ना बेकर, आप इनको टीम पे ले लीजिए। तो ये भी लास्ट मैच में एक विकेट है, तो पूरे 10 प्लेयर तो पिक कर लिए भाई। और एक और प्लेयर है, एक और जो प्लेयर है भाई यहाँ पर मैं लेजेंडरी लीग को यहाँ पर मैं कंफर्म करके अभी फ्रीडम को ड्रॉप कर रहा हूँ भाई, और यहाँ पर मैं कुछ प्लेयर्स में यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा। कैटरिन बर्न एक अच्छा प्लेयर है भाई, आप इनको टीम पे ले लीजिएगा। तो आप देख सकते हो भाई हमारे टीम बन गए। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए, डाउट आपको जरूर आएगा। तो यहाँ पर कैप्टन पे भाई यहाँ पर नटराजा स्टीवर, और वाइस कैप्टन पे मैं यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को ले रहा हूँ। चाहे तो सुबह डिवाइन को भी आप अपने टीम पे ले सकते हो। तो ये जो टीम है भाई अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर दो विकेट कीपर है भाई, यहाँ पर आपको लेजेंडरी लिए अमित जोन्स है, और बल्लेबाजी पे भाई हरमनप्रीत कौर, बायरन स्मिथ है, और यहाँ पर ऑलराउंडर पे सुपी डिवाइन, नटराजा स्टीवर बन, कैटरिन बर्न है, और गेंदबाजी में इसी बॉम कैटी लेविक गॉर्डन, और यहाँ पर अन्ना बेकर है भाई यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरे 11 प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स को पिक किए, और कैप्टन वाइस कैप्टन पे भी आप देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर नटराजा स्टीवर बन, और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर है, और एक और कुछ प्लेयर थे भाई सुपी डिवाइन, और यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए 100% सही है। उसके बाद लीजिए एक बड़े शॉट खेल सकती है भाई, ये भी प्लेयर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सही रहने वाला है। तो ये जो टीम है, पहले मैं इस टीम को सेव करके रख लेता हूँ, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ भाई। आप टीम को सेव करके रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मैंने टीम को सेव करके रख लिया भाई, यहाँ पर हमारे 11 के 11 प्लेयर्स भी बन गए हैं। तो फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक और बात है भाई, आज की जो मैच है लंका प्रीमियर लीग का, दो मैचेस होने वाले, दोनों मैच मैंने कवर कर दिया भाई। अभी तक आप जाके नहीं देखें तो जल्दी से जाके देख लेना। तो कल जो मैचेस है भाई, ये पूरे कल की मैचेस है, कल पूरे 400 मैचेस हो गए भाई। 100 मेंस की दो मैचेस रहने वाले, 100 वुमेन्स की दो मैच रहने वाले, तो ये चार मैच हम कवर करेंगे। लेकिन श्रीलंका प्रीमियर लीग का जो लंका प्रीमियर लीग जो हो रहा है भाई, उसमें आपको मैं फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा। आज मैंने लंका प्रीमियर लीग का मैचेस वीडियो कवर किया भाई, लेकिन मैंने 100 की मैंने वीडियो नहीं दी, तो 100 की फाइनल टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता हम 3-4 मैच से ज्यादा नहीं कवर कर पाएंगे वीडियो, लेकिन फाइनल टीम फर्दर अपडेट भाई आपको टेलीग्राम पे 6-7 मैच डेली मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको सारा अपडेट मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।